तू ही दुनिया के उत्ते गरीबा यतीमां नूं अपने दस्तरखान ते बुलाया कर। पर मैं बड़े अफसोस नाल अज जड़ां वाले च गल करके जाण लगा है। असी शादियां दे मौके हुण या जनाब अफतारी होवे कोई शादियां दा मौका आवे अगे ईद आ रही है, ईद ते गोश्त वंडना है ते अपने तलक वालियां नूं वंडना है, गरीबां नूं नहीं देना। हालांकि नबी पाक ने फरमाया जदों कुरबानी करनी है ते गोश्त दे तीन हिस्से करने ने। उच्ची बोलो किन्ने हिस्से, सारे बोलो किन्ने हिस्से, तीन हिस्से करने। एक अपने रिश्तेदार गरीबों के अंदर रिश्तेदार जड़े गरीब ने उन्होंने देना है, एक अपने जनाब दूसरे गरीब रिश्तेदार ने गे जड़े महल्लेदार गरीब यतीम ने रिश्तेदार तो अलावा उन्होंने देना है, तो एक हिस्सा अपने घर अपने बीवी बच्चे अपने खानदान वास्ते रखना है। और अल्लाह जानता बड़े अफसोस ना गल कर लगा इत्थे कुरबानी होवे ते अपने तलक वाले नूं सद लैणा है। मैं वेख्या है कई बंदे गैर मुसलिम साईयां नूं डेरे ते काम करदे होण, उन्हां नूं फोन करके आ जा गोश्त लै जा कुरबानी हो गई है, कोई यार बेली उन्हूं फोन करके। हालांकि नबी पाक ने फरमाया है, सुन लो मसला याद कर लो 24 दे वासियो, कि आ बंदा कुरबानी करे ईद उल जहा ईद वाली कुरबानी ज़िबा करे कुरबान, ईद कुरबान ते अपना जानवर ज़िबा करे, उहदे चों अगर किसी गैर मुसलिम नूं अपनी खुशी अपनी मर्जी ना गोश्त दे देगा उन्हें कुरबानी का स्वाब नहीं लगना बल्कि आम सदका बन जाना है। मसला याद कर लो, हजूर फरमाया कि यह कुरबानी मुसलमानों वास्ते कि उची बोलो कि हिस्सा भी मुसलमान यतीमां गरीबां ते रिश्तेदारां नूं देना है, गैर मुसलिम दा इहदे अंदर कोई हिस्सा नहीं। सुनो मसला याद कर लो, किसी गैर मुसलिम नूं फोन करके अगर डेरे तो रहिंदा है काम करता है तो उन्हें नहीं देना फोन करके सद के नहीं देना। हाँ तेरे दिल च है कि वह गरीब बंदा है मेरे डेरे ते काम करता है तो वो दिल च आएगी भी कुरबानी की मैंने गोश्त नहीं दिता, तू एक दिन पहला वो घर मुल गोश्त लैके दे दे ताकि दिल च ना आए कि चौधरी ने मेरे घर गोश्त नहीं पहुँचाया, तो कुरबानी का गोश्त किसी गैर मुसलिम के घर देना। एक होर सुन लो, अगर वो सवाली बन के दरवाजे ते आ जाए मंगण वाला सवाली गैर मुसलिम ते फिर उन्हें गोश्त की करना है, उची बोलो दे देना है फिर, क्योंकि वह सवाली बन के आया है अपनी मर्जी नाल फोन करके नहीं सदना और ना ही उसके घर गोश्त भेजना है अगर हमसाया फिर भी नहीं, क्योंकि कुरबानी मुसलमानों वास्ते। तो अगर वह सवाली बन के आ गया है तो फिर उन्हें खाली मोड़ना, माला वाले सखी नहीं हुंदे सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे, इत्थे उत्थे दोई जहानी सखी कदे कंगाल नहीं हुंदे। आओ मुसलमानों सुनो ध्यान नाल, कुरबानी दा गोश्त देना मुसलमान, सुनो मेरे बुजुर्गो ध्यान दे नाल, अल्लाह जानदा है जेड़े वेले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया बेली आके खाना खाल, हरमाया इन्नी साइम मैं रोजेदार है, हरमाया बेलिया इन्नी गर्मी है अरब दी इन्नी गर्मी है ते रोज़ा रखा है, हरमाया जी नफली रोज़ा रख्या है, हरमाया बेलिया रोज़ा रख्या है, कहन लगा मेरा रोज़ा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहंदे ने इनू अजमा के वेखिए पुख्ता किन्ना के अपने मां दे अंदर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे एक बकरी सानू दे दे, कहन लगा वीरा मेरिया बकरियां नहीं, मैं ते जर खरीद गुलाम मैं ते जर खरीद नौकर आऊं, इना दा मालक इना बकरियां दा मालक मैं नहीं गाऊ बल्कि बकरियां दा मालक और कोई है, फरमाया बकरी दे दे, फरमाया मेरिया नहीं, फरमाया मुल वेच दे, फरमाया मेरिया नहीं मेरे मालक दियां बकरियां, फरमाया मालक केड़ा वेखदा पिया है जिदियां बकरियां ने वो केड़ा वेखदा पिया है, हरमाया दुनिया दे उत्ते आफरी मैं तेरे गल करन वालिया तेरे उत्तों, अगर मालक नहीं वेखदा पिया बकरियां मेरिया नहीं मैं जर खरीद मुसलमान गुलाम आऊं मैं नौकर आऊं, अगर मालक नहीं वेखदा ते उस मालक दा मालक ते वेखदा पिया है, फरमाया पैसे लै ला पैसे लै ला मेरे कोल ते ऐ बग्याड़ा बग्याड़ खा जांदे ने जंगली इलाके दे अंदर सहरावां दे अंदर अक्सर बकरियां खा जांदे ने बेड़िए, शाम नूं जाके कह दई हे बकरी बेड़िया खा गया है मैं तो पैसे भी लै लै अफतारी टाइम तेनू गोश्त भी पे दवांगा, वो बंदा कहन लगा ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, फरमाया बेली आओ मैं तेरे वल वेखां कि अपने वेखण वाले वल वेखां,
फरमाया मैं तेरे वल वेखाऊ कि अपने वेखन वाले वल वेखाऊ। अल्लाह जानदा फरमाया मैं तेरे वल वेखाऊ कि अपने वेखन वाले वल वेखाऊ। फरमाया ऐन अल्लाह मैनू दस ते सही, अगर मैं तेरे को पैसे ले भी लवांगा, अगर मैं तेनू बकरी दे भी दवांगा, मालक नू मुतमिन भी कर लवांगा, झूठ भी बोल दवांगा, पर मैनू दस ते सही क्या मैं अल्लाह नू ही झूठ बोल दवांगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दियाँ अखां चो आंसू आ गए, उस वेले उहदे मालक को चले गए। फरमाया दसन लगा है अगर दिल च डर होवे नीयत साफ होवे मेरा मालक समाना तो रिज़्क दे दरवाजे किवें खोल दे। उहदे मालक को चले गए जाके कहन लगे बेलिया बकरियां वे दे, कहन लगे वेच दिना है। फरमाया गुलाम भी वे दे, वो भी ले लिया बकरियां भी ले लिया। शाम नू मदीने दी नुक्कर ते खड़िया हो गए, जेड़े वेले नुक्कर ते खड़िया हो गए ये बकरियां दा चरवाहा बकरियां लैके घर वापस आया। जेड़े वेले ने वेख्या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो दोपहर वाला बेली खड़ा है। हजरत अब्दुल्ला कहंदे ने बेली आओ मैनू पहचाणिया है। फरमाया हाँ मैं पहचाणिया है जेड़ा दोपहरे मेरे को बकरी मंगदा सी। फरमाया मैं बकरियां भी लै लईआं तेरे मालक दे कोलों ते तैनू भी खरीद लिया, मैं ते तैनू आजमांदा सी तू वाकई अल्लाह कोलो डरन वाला है। फरमाया अच्छा हुण मैं तेरा गुलाम है। फरमाया बेलिया ये गल ना करी, हुण तू मेरा गुलाम नहीं बल्कि जिस अल्लाह दा डर डर दिल दे अंदर रखिया है हुण तू उस अल्लाह दा गुलाम। फरमाया बकरियां भी तेरिया ने, ए सारा माल तेरा है, ए सारा रेवड़ तेरा है। लोगों जो अल्लाह का डर हो मेरा मालक समाना तो रिज़्क दे दरवाजे किवें खोलदा है। जड़ां वाला दे बसियो हाथ बन के पीर करांगा, हमेशा अल्लाह की रजा नू सामने रखिया कर, वो कम करिया कर जिदे ते अल्लाह राजी हो जाए, जिदे ते मालक राजी हो जाए, वो कम ना करिया कर जिदे ते अल्लाह नाराज हो जाए। जदों हमेशा अल्लाह नू राजी करन वाले कम करेगा मालक कबर भी आसान कर देगा, कबर की जिंदगी भी आसान कर देगा, बगैर हिसाब तो नबी दे जन्नत दा दाखला भी नसीब कर देगा। जदों अल्लाह को डरन वाले कम करेगा अल्लाह कबर की जिंदगी भी उची बोलो आसान कर देगा, ते क्यामत वाले दिन अल्लाह बगैर हिसाब तो नबी पाक दा साथ दे के जन्नत दा दाखला नसीब। अल्लाह जितने बैठे नौजवान मेरे बुजुर्ग भाई, अल्लाह जितने भी लोग बैठे ने, अल्लाह इन्हां सबनू क्यामत वाले दिन बगैर हिसाब तो हजूर दा साथ दे के जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। और अपने वास्ते तो दुआ कर सकते हो ना, मैं तुहाडे लई कर रहा आमीन को। और मेरे नबी पाक ने इस वक्त दुआ की है, सुन्नत हजूर की दुआ करना। अल्लाह जितने बैठे ने मेरे बुजुर्ग कुर्सियां ते बैठे नीचे बैठे बुजुर्ग नौजवान बच्चे और औरतां मेरिया मावां बहनां जितनिया भी अल्लाह जिथों तक मेरी आवाज़ जा रही अल्लाह बगैर हिसाब तो तमाम लोगों नू नबी पाक का साथ दे के बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला नसीब फरमा। और अल्लाह इन्हां कुर्बानी करनी है, अल्लाह जिन्हां कोल पैसे नहीं अल्लाह उन्होंने तौफीक ता फरमा आमीन कह दो। हो सकता अल्लाह तुहानूं गुंजाइश दे दे, अल्लाह जिन्हां कोल कुरबानी नहीं उन्होंने अपने रस्ते च कुरबानी करन दी तौफीक ता फरमा, और जेड़े पैसा होने के बावजूद नहीं करते अल्लाह उन्होंने हिम्मत तौफीक ता फरमा।